अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंगो कस्टर्ड कैसे तैयार किया जाता है। उसके लिए मैं यहाँ पे 1 किलो दूध यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें 10 टेबलस्पून शुगर, 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, थोड़ा सा दूध मिक्स करने के लिए कस्टर्ड पाउडर, और इसमें मैं धनक सेवैया यूज़ कर रही हूँ कस्टर्ड में डालने के लिए। एक पतीली ली है, इसमें मैं दूध ऐड कर दूँगी और इसे लो फ्लेम में पकने के लिए रख दूँगी। साथ ही मैंने पानी रख दिया है सेवैया बॉईल करने के लिए। जब तक दूध बॉईल होता है और सेवैया का पानी बॉईल होता है, मैं कस्टर्ड मिक्स कर लेती हूँ दूध में। आप इसे ग्राइंडर में भी मिक्स कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसे गैर ग्राइंडर के कैसे मिक्स किया जाता है। कस्टर्ड पाउडर डालें, साथ साथ इसे हिलाते रहें। ध्यान रखें कि इसमें गुठली ना बने। बॉईल होना शुरू हो गया, मैं इसके अंदर सेवैया ऐड कर दूँगी, साथ में इसे मिक्स कर लूँगी ताकि बॉयल हो गया। मैंने इसका गर्म पानी फेंक दिया था, मैं इसे सादे पानी में डाल रही हूँ। ताकि खिली खिली रहें, इकट्ठी ना हो जाए। दूध बॉयल हो गया है, अब मैं इसके अंदर ये मिक्सचर ऐड कर दूंगी जो मैंने, ये देखें इसके अंदर कोई गुठली नहीं है, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और ये डालने के बाद अच्छी तरह हिलाते रहना। और इसकी फ्लेम नीचे मीडियम रखनी है। कस्टर्ड पकना शुरू हो गया है, मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसका चम्मच हिलाते रहें, ध्यान रखें नीचे से लगे नहीं। मैं साथ साथ इसका चम्मच हिला रही हूँ। मैंने इसमें 10 टेबलस्पून शुगर ऐड की थी, अगर आप चाहें तो और यूज़ कर लें। पूरे 5 मिनट में ये तैयार हो गया। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। सेवैयों का पानी मैंने फेंक दिया था, अब मैंने इसे अलग से निकाल के रख दिया है। कस्टर्ड ठंडा हो गया, मैं इसके अंदर सेवैया ऐड कर दूंगी जो मैंने बॉईल की थी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसमें। इसमें अच्छे से मिक्स कर ली है, अब मैं इसे ऊपर से गार्निश कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे ऊपर गार्निश करूंगी। मैं यहाँ 3 तरह के फ्रूट केक यूज कर रही हूँ। पहले मैं इसके, अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी यूज कर सकते हैं। पहले मैं ये इसे मैंने फ्रूट केक से अच्छे से गार्निश कर लिया है। इसकी मैंने आज आपको आसान और इजी रेसिपी बताई, ये बहुत टेस्टी बनेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।